ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। अगर विद्रोह करती है कोई लड़की परिवार के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, बंधनों के विरुद्ध, तो सबसे पहले वो क्या खोती है? बहुत अच्छा सा घर होगा, उससे वंचित होना पड़ेगा। और घर से अभी मैं रिश्ते, संबंध इत्यादि की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे बिस्तर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, हॉल, गाड़ी, ड्राइवर, लॉन, इनकी बात कर रहा हूँ। पहले वो मिल जाता है पिता के अनुशासन के अधीन रहकर, और अगर पिता के अनुशासन के अधीन हो तो पिता विवाह ही ऐसी जगह कर देंगे जहां वही सब मटेरियल सुख सुविधाएं मिलने लगेंगी पति के अनुशासन के अधीन रहकर। एक चमकती हुई कोठी से विदाई होकर दूसरी चमकती हुई कोठी में प्रवेश हो जाता है। और अगर विद्रोह किया इस व्यवस्था के प्रति तो कोठियों से हाथ धोना पड़ता है, फिर जाके रहो किसी पीजी में। और हैं लड़कियां जिन्होंने विद्रोह करा है, उनकी कोठियां छिन गई हैं, वो पीजी इत्यादि में रहती हैं। घर पे तो दो नौकर, चार नौकर, गाड़ी, शॉफर। डर क्या छीनने का है? डर कोठी और पैसा छीनने का है, सुख सुविधाएं छीनने का है। मुझे मालूम है ये बोल रहा हूँ, ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, मुझे कहने में अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें सुनने में कैसे अच्छी लगेगी? पर बात जैसी है कहनी तो पड़ेगी ना। ना कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ ना इंसाफी करूँगा। समाज स्त्रियों का शोषण तो खूब करता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें सजा धजा के भी रखता है और सुख सुविधा संपन्न भी रखता है। स्त्री घर की लाज और इज्जत होती है ना, तो उसे सुख सुविधा से लैस रखा जाता है। कोठियों वाली स्त्रियों को तुमने धूप में कब घूमते देखा, सड़क पर? हाँ, घर के अंदर उनका कितना भी शोषण हो रहा हो, घरेलू हिंसा ही हो रही हो, यह संभव है, पर हिंसा भी एयर कंडीशनर वाले कमरे में ही हो रही होगी। बलात्कार भी हो रहा होगा उनका घर के अंदर, तो जिस गद्दे पर हो रहा होगा वो 1,00,000 रुपए का होगा। शायद मैंने सस्ती बात बोल दी, 5,00,000। गोरे मुखड़े पर आंच नहीं आने वाली। हाँ, मन भले गंदा कर दिया जाए, ये आभूषणों की दुकानें, इनमें क्या पुरुषों के गहने बिक रहे हैं? बोलो, चुनाव स्त्री को करना है। मिलेंगे तो दोनों एक साथ मिलेंगे, गहने और शोषण। और अगर शोषण नहीं चाहिए तो गहने और कोठियां भी छोड़नी पड़ेंगी। जिन्हें कोठियों का लालच है वो शोषण करवाने के लिए भी तैयार रहे, जो अपनी पहचान ही यही बना चुकी हैं कि मैं तो उच्च कुल की इज्जतदार स्त्री हूं, वो अब बिल्कुल तैयार रहे कि उच्च कुलीन लोग ही उनका शोषण भी खूब करेंगे। यही वजह है कि निम्न वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग की लड़कियों के लिए उड़ान भरना अपेक्षतया आसान होता है। छोटे शहरों की निम्न मध्यम वर्गीय लड़कियां कई बार अपेक्षतया ज्यादा आसानी से फुर्र उड़ जाती हैं, पर धनाढ्य परिवारों में बड़ा मुश्किल होता है लड़की के लिए। लालच बहुत बड़ा है, कैसे उड़ जाएगी? पहले पिता के घर का लालच, और फिर पिता ही तो रिश्ता तय करेंगे ना, अपने ही जैसे किसी सेठ जी के यहाँ, तो ससुराल के पैसे का लालच। जो विरोध करेगा उसको बहुत चीजों से हाथ धोना पड़ता है। आजादी बड़ी कीमत मांगती है ना।